आज के प्रातः क्लास से 16/68 ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने के लिए, और ये बच्चों को पक्का है कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे, और जितना पवित्र बनेंगे उतना वर्षा पावेंगे। हम जितना अच्छा टीचर बनेंगे उतना ही ऊंचे पद पावेंगे, क्योंकि तुम आपस में भाई भाई हो। टीचर के रूप में पढ़ना भी सीखते हो और पढ़ाना भी सीखते हो, तो तुमको औरों को पढ़ाना भी जरूर है, क्योंकि तुम पढ़ाने वाले टीचर भी बनते जरूर हो। बाकी तुम कुछ का गुरु नहीं बन सकते हो। गुरु कहा जाता है सदगति करने वाले को, और सदगति करने वाला एक ही सदगुरु है, वही सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सदगुरु। तो तुम सिर्फ टीचर बन सकते हो, गुरु तो एक ही सदगुरु है जो सिखाते हैं, वो टीचर भी बनाते हैं। तुम सभी को पढ़ाते हो, रास्ता बताते रहो मनमना भव का, तो बाप ने तुम्हारे ऊपर ड्यूटी रखी है, मुझे याद करते रहो और फिर ऊंच पद पाने के लिए टीचर भी बनते रहो। तुम किसको बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में षष्ठी चक्र की नॉलेज देनी होती है, बाप को तो जरूर याद करना पड़े, क्योंकि नॉलेज तो मूल रूप में देने वाला तो एक ही बाप है, और उस बाप की याद से ही पाप कट जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम जन्म जन्म के पापात्मा हैं, इसलिए बाप सभी को कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी आत्मा अभी पतित बनी है, जिसके कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तो तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो, अभी पतित से पावन होने की युक्ति बहुत सहज बताते हैं। पवित्र से अपवित्र कैसे बन गए? द्वैतवादी युग द्वापर में आए तो अपवित्र बनना शुरू हुआ, संग के रंग से अपवित्र बने ना। तो अभी बाप युक्ति बताते हैं कि अनेकों के संग के रंग से पतित बने हो, अब एक बाप ऊंचते ऊंचाया है, उसके संग के रंग से पावन बन जावेंगे। तो बुद्धि का संग सदैव एक बाप के साथ रखो। आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे तो शरीर कितना सुंदर था, कंचन काया थी, अब अभी अपवित्र बने हो,
अभिपति से पावन होने की युक्ति बहुत ही सहज बताते हैं। कहते हैं बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाओगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करते रहो। वो लोग तो गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वो पतित पावनी है। अब वो तो पावन बनाने वाला कोई जल थोड़े ही है, जल तो जड़ तत्व है, आत्मा तो चैतन्य है। जड़ तत्व से चैतन्य आत्मा कैसे पावन बनेगी? समझते हैं गंगा को याद करने से पावन बन जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन नहीं बन सकता, पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूं, क्योंकि मैं तुमको ज्ञान जल से स्नान कराता हूं। तो हे बच्चों, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ मुझे ज्ञान सागर को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे, फिर अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाएंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी के लिए ये एक ही महामंत्र है, इनसे तुम अपने घर पहुंच जाएंगे। सारा कल्प तुम अपने घर को भूले हो, ऐसे नहीं जब देवताएं थे तो तुमको अपना घर याद था? नहीं, बाप को सारा कल्प कोई नहीं जानता है, और वो बाप एक ही बार आकर खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। उनका परिचय और कोई दे भी नहीं सकता है, और परिचय भी इस मुख के द्वारा देते हैं। तो इस मुख की कितनी महिमा है। कहते भी हैं गौ मुख, वो गौ तो जानवर है, अब मैं जानवर में थोड़े ही आऊंगा। मैं तो जरूर मनुष्य तन में आऊंगा, क्यों? मनुष्य ही पतित होते हैं क्या? जानवर नहीं पतित होते? मनुष्य ज्यादा पतित होते हैं। और बंदर? तो बंदर का तो मिसाल है कि पांचों विकार बंदर में सबसे जास्ती होते हैं, इसलिए उनको जानवर कहा जाता है। जानवर बुद्धि मानवीय बुद्धि से तो अच्छी है क्या? पतित बुद्धि है ना, फिर जानवर में क्यों नहीं आते? बुद्धि नहीं होती। अरे बुद्धि हो या ना हो, नाक का नाक तो है। हाँ, मनुष्य कहा जाता है मनन चिंतन मंथन करने वाले को। जानवरों में मनन चिंतन मंथन करने की शक्ति नहीं है, और भगवान के पास तो क्या प्रॉपर्टी है? भगवान आते हैं तो कोई धन संपत्ति परम नाम से लेकर आते हैं, मेहलमानियां लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? ज्ञान ही सुनाते हैं। तो ज्ञान की संपत्ति बाप के पास है, और ज्ञान जानवर तो
न सुनेंगे, न धारण करेंगे, न मनन चिंतन मंथन करेंगे। इसलिए मैं इसमें आता हूँ, मनुष्यतन में आता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं गौ में आता हूँ, जानवर गौ में। ये है मनुष्य की बात। तुम जानते हो ये बड़ी माता है कौन? ब्रह्मा। ये ब्रह्मा बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सभी को अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लग पड़े हो। बाप भी कहते हैं इसी आदि की यात्रा से तुम्हारे पाप कट जाने हैं, क्योंकि बच्चों को बाप याद पड़ जाता है ना, उनकी शिकल आदि बच्चे के दिल पर बैठ जाती है। माँ बच्चे को याद करती है तो बच्चे की शिकल माँ के दिल पर बैठ जाती है। तुम बच्चे भी बाप को याद करते हो तो बाप की शिकल बुद्धि में बैठ जानी चाहिए। ऐसे तो तुम जानते हो कि वो हमारी आत्माओं का बाप है, परंतु आत्मा आर्गन से बिगड़ कुछ भी कर नहीं सकती। तुम जानते हो जैसे हम आत्मा है वैसे वो भी परमात्मा है, शिकल में और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में जो फीचर्स आदि अलग अलग होते हैं, बाकी आत्मा तो सबकी एक ही जैसी होती है। आत्मा आत्मा भाई भाई, जैसे आत्मा हमारी है वैसे बाप भी परमात्मा है ना। तुम बच्चे जानते हो परम धाम में रहते हैं, रहते तो हम भी परम धाम में हैं, बाबा की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। वो भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। ये ज्ञान और कोई को है नहीं, और तुमको भी बाप ने बताया। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में, जो जिसको आता है वो कहते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं, तुम भी भूल जाते हो। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे, गोया निर्धन का हो गया, धन को याद करते ही नहीं है, क्योंकि धनी के पार्ट को ही नहीं जानते हैं। अपन को भी भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते हैं, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी भूल जाते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम पहले भूल गए थे, जानवर मिसल बन गए थे। हम तो पहले ऐसे देवी देवता थे, अभी जानवर से भी बदतर हो गए। तो मुख्य बात है हम अपनी आत्मा को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए, तो अब हमको रियलाइज कौन करावे? क्योंकि कोई भी जीव आत्मा को तो ये पता ही नहीं होगा कि मैं आत्मा क्या हूं, या आत्मा क्या होती है, कैसे सारा पार्ट बजाती है। बाप बतलाते हैं, तुम सब आत्माएं बिंदी मिसल हो, सभी आपस में भाई भाई हो। ये ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान हो चुकी है, कोई में ज्ञान नहीं है, फिर क्या है? ज्ञान नहीं है तो फिर क्या है? ग्लानी है, अज्ञान है। तुम्हारे में अभी ज्ञान आया है, तो
ग्लानी बंद हो गई है, बुद्धि में आ गया है हम आत्मा इतना समय बाप की ग्लानी करती आई, पत्थर में है, भीतर में है, सर्वव्यापी है, तो ग्लानी करने से क्या नुकसान होता है? मान लो हम आपस में या परिवार में संबंधी होते हैं, कोई किसी की ग्लानी करने लग पड़ता है तो बहुत ग्लानी करते करते आखिर अति हो जाएगी, तो क्या होगा रिजल्ट? परिवार से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाप की ग्लानी करते करते तुम बाप से दूर हो गए। हम आत्माओं ने बाप की बहुत ग्लानी की, ड्रामा के प्लान अनुसार बहुत ग्लानी की है। क्या ब्रा ड्रामा में इतनी ग्लानी की है? तो ड्रामा की रिहर्सल भी होती है कि नहीं है? होती है। फिर रिहर्सल के पीरियड में ग्लानी करेंगे या नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। पक्का कर दिया? पक्का कर दिया? ड्रामा है, हमारी कोई गलती नहीं। इसलिए रिजल्ट क्या होता है कि आत्मा नीचे गिर जाती है, बाप से टूटते हैं, बाप से दूर होते हैं, तो आत्मा रसातल में चली जाती है। यह समझ अभी बुद्धि में आ गई है, भक्ति मार्ग में तो यह समझ थी नहीं और अभी बुद्धि में आ गई है। तो फिर तुमसे कोई कब फालतू प्रश्न नहीं पूछ सकते। 16:68 की वाणी का दूसरा पेज, मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ भी नहीं देते हैं, बाप को याद करने की सिर्फ तकलीफ है। बाप कब बच्चों को तकलीफ दे सकते हैं? क्या ला नहीं कहता जो बाप बच्चों को तकलीफ दे? कहते मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूं। कोई बच्चे कुछ प्रश्न आदि पूछते हैं तो कहता हूं इन बातों में तुम टाइम वेस्ट क्यों करते हो, बाप को याद करो। मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। जितना पावन बनते जाएंगे उतना आत्मा हल्की होती जाएगी, पापों का बोझा उतरता जाएगा। आत्मा हल्की होगी तो नीचे रसातल में जाएगी या ऊपर उड़ेगी? ऊपर उड़ेगी, तो तुम ठीक परमधाम पहुंच जाएंगे। बस मैं ही पतित पावन बाप हूं, ये बात पक्की कर दो। और मैं मुख से कहता हूं और एक ही बात कहता हूं, इस एक ही बात से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। कौन सा बेड़ा है? है लकड़ी का है क्या? नहीं, बेड़ा क्या है? बेड़ा पार हो जाता है। बेड़ा किसे कहा जाता है? बेड़ा कहा जाता है जहाज को, नाव को। ये हमारी शरीर रूपी नैया है, जहाज है, बेड़ा है। ये विषय वैतरणी नदी में पड़ा हुआ है, विषय सागर में पड़ा हुआ है, तो ये इसका बेड़ा पार कैसे होगा? एक ही बात बुद्धि में पक्की कर दो,
कि बाप ही पतित पावन है। प्रश्न उत्तर में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है तो तुम्हारे पाप कट जाए। 84 का राज भी बाप ने समझा दिया है क्या कि 21 जन्म तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता, भले नीचे उतरते हो लेकिन बाद के 63 जन्मों में आत्मा में तेजी से पाप चढ़ने लग पड़ते हैं, क्योंकि तुम देवान में आने लग पड़ते हो, आत्मा की याद भूल जाती है। तो मुझे याद करो, अपन को आत्मा समझो, ये बात जानने के लिए ही बुलाया है। अभी ये अपनी जांच करो, हम कहां तक बाप को याद करते हैं? बस, और कोई तरफ का विचार नहीं करना। और ये बहुत सहज है बाप को याद करना, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ते हैं। तुम भी समझो, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, याद क्यों करना पड़ता है? हैं? और कितना याद करना पड़ता है? अरे कोई कारण होगा याद करने का, क्योंकि हमारे ऊपर पापों का बोझा बहुत है। और कितना याद करना पड़ता है? जितना हम देहवान में आए हैं उतना ही हमको याद करना पड़ता है। पाप बहुत चढ़े हुए हैं, उस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए ज्ञान भी एक गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति पढ़ाई पर मदार रखती है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना ही ऊंची जीवन मुक्ति में पद पावेंगे, मर्तबा पा लेंगे। तो धंधा आदि तो भल करो, धंधा आदि करने के लिए बाप कोई मना नहीं करते हैं। धंधा आदि जो तुम करते हो वो भी तो तुमको दिन रात याद रहता है ना, तो बाप अब ये रूहानी धंधा देते हैं। अपन को आत्मा समझ, मुझे याद करो, 84 के चक्र को याद करो, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बनेंगे। क्या धंधा आदि भल करो, धंधा आदि करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होता है? धंधा दोरी याद तो आता है ना। मिसाल देते हैं बाबा, कपड़ा बेचने वाला दुकानदार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है तो रात में सोते सोते अपनी धोती फाड़ लेता है, तो सोते सोते भी याद तो आता है ना। तो कहते हैं भल धंधा करो, भल लगा दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, भल धंधा करो, मुझे याद करते रहो तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। ये भी समझते हो, अभी ये पुराना चोला है, फिर हम सतो प्रधान नया चोला लेंगे। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, उससे बहुत फायदा होता है। जैसे स्कूलों में सब्जेक्ट्स तो बहुत होती है, फिर भी इंग्लिश पर अच्छे नंबर होते हैं, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, उनों का पहले राज्य था इसलिए वो जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी उन अंग्रेजों के कर्जदार हैं, बल कोई कितने भी धनवान हैं परंतु बुद्धि में तो है, ये तो है ना कि हमारे राज्य के ये हेड्स हैं, जो भी हेड्स हैं वो सब कर्जदार हैं, कोई हम भारतवासी भी कर्जदार हैं। रैया जरूर कहेगी कि हम कर्जदार हैं, ये भी समझ चाहिए, जबकि तुम राजा ही स्थापन कर रहे हो।
तुम जानते हो हम अभी है ना कर्ज आदि से छूट करके सॉल्वेंट बनते जाते, फिर आधा कल्प हम कोई भी कर्जा उठाने वाले नहीं है, कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं और पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत भी ऐसा है, तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजात परिजातियां थे, ये याद रहता है हम ऐसे विश्व के मालिक थे। अभी तो बिल्कुल कर्जदार डर्टी बन गए, ये खेल का रिजल्ट बाप बता रहे हैं। ये रिजल्ट क्या हुई तुम बच्चों को अभी स्मृति आ गई है कि सतयुग में हम कितने काहू साहूकार थे। अब ऐसा साहूकार तुमको किसने बनाया, तुम कहेंगे बाबा ने बनाया। बाबा आपने हमको इतना साहूकार बनाया, तो एक ही बाप साहूकार बनाने वाला है और दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। लाखों वर्ष कह देने से सभी भूल गए, कुछ नहीं जानते। तुम तो अभी सभी कुछ जान गए कि पहले हम पद्मा पद्म साहूकार थे, बहुत पवित्र सुखी थे, वहां झूठ पाप आदि कुछ भी नहीं होता, सारे विश्व पर तुम्हारी जीत हो जाती है। गायन भी है शिव बाबा, आप जो कुछ देते हो और तो कोई दे ही नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख का राजी दे। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन मिलता है, कितने हीरे जवाहरात याद रहते हैं जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ लग जाते हैं। कौन से पिछाड़ी वाले हैं जो और धर्म वाले पिछाड़ी में आते हैं, उनके हाथ लग जाते हैं। अभी तो वह चीज देखने में भी नहीं आती है, तुम फर्क देखते हो, तुम ही पूजी देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, आप ही पूजी आप ही पुजारी, तुम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हो। बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु इस पुजारियों की दुनिया में आते तो है ना, फिर भी बाप तो एवर पूज्य है, वो कब पुजारी होता ही नहीं। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना, रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। ये बात दुनिया में किसी को पता नहीं है, क्या क्या बात किसी को पता नहीं है, रावण हमको सबकी पूजा करना, माथा टिकाना, हाथ जोड़ना सिखाता है, सबके सामने झुकाना सिखाता है, और बाप हमको पूज्य बनाते हैं कि सारी दुनिया हमारे सामने झुकने लग पड़ती है। ऐसे तो तुम भी पुजारी बन जाते हो, भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं, बाप के हाथ में है चाहे किसको साहूकार बनाओ और चाहे गरीब बनावे। बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हों को मैं जरूर जरूर गरीब बनाता हूं। कौन से जन्म के हैं? इस आखिरी अंतिम जन्म के जो साहूकार हैं उनको मैं जरूर गरीब बनाता हूं। अंतिम जन्म में जो साहूकार बनते हैं वो झूठा धंधा करके बनते हैं या सच्चा धंधा करके बनते हैं? झूठा धंधा करके करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं। सच्चा धंधा करके तो कोई बन ही नहीं सकता। अभी तुम तो साहूकार बनेंगे जरूर, और वो भी गरीब बनेंगे जरूर, उनका पार्ट ही ऐसा है। कैसा? कि जब विनाश होगा तो विनाश की विभीषिका में वो ठहर नहीं सकेंगे, उनके हार्ट
फिर होने लग पड़ेंगे, क्योंकि धनवान को अभी अहंकार बहुत है। इस बात का धन का बहुत अहंकार है, मैं फलाना हूं, हम ये हूं, उन साहूकारों को घमंड है कि सरकार भी हमारी मुट्ठी में है। अब ये घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं कि ये साहूकार जब आवेंगे ज्ञान में, अभी तो नहीं आते हैं, अभी तो यहां जो बैठे हुए हैं वो साहूकार हैं या साधारण, यहां तो सब साधारण बैठे हुए हैं। वो साहूकार जब आवेंगे घमंडी, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए कहते हैं कि जब वो आवेंगे कुछ देने के लिए बाबा को, तो बाबा ले लो, तो बाबा कहेंगे हमें दरकार ही नहीं, हमारा काम तो पूरा हो गया, राजधानी स्थापन करनी थी सो राजधानी स्थापन हो गई, राजधानी में जिन बच्चों को जिस स्टेज पर आना था, जो पद पाना था, वो बच्चों ने पद पाई लिया, हम क्या करेंगे, ये धन संपत्ति तुम अपने पास ही रखो। 16-12-68 की वाणी का तीसरा पेज, कहेंगे कि जब जरूरत होगी तो फिर हम ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं कि इनकी धन संपत्ति अब हमारे काम तो आवेगी नहीं, तो उनका अपना घमंड फिर टूटता है। थोड़े रोज में तुम देखेंगे वो कुछ भी लेकर के आवेंगे, तो उनकी घमंड की चलन देख करके कहेंगे अच्छा अपने पास रख लो, देखेंगे लायक हैं तो साहूकार बना देंगे, लायक नहीं हैं तो कहेंगे हमको दरकार ही नहीं, बंदर खावेंगे, अरे हम इतना धन इनको देते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों कहते हैं, और सत्संगों में तो हम इतना देते थे, और संस्थाओं में इतना देते थे, हॉस्पिटलों आदि में हम कितना देते थे, कोई मना नहीं करते थे, ये ऐसे क्यों करते हैं, अरे हमको चाहिए ही नहीं, फेंक जाओ, पड़ा रहेगा कोई उठा ले जाएगा, हमारे तो काम में नहीं आने वाला। बाबा के पास इस समय भी कोई भटके हुए आ जाते हैं, बाप जो इतना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को धोखा दे फिर भी आ जाते हैं, तो कहेंगे अच्छा ये ट्रेडर बना था, इसने धोखा दिया था, लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो कहेंगे इनका कुछ भी नहीं लेना, इन्होंने पहले भी हमको धोखा दिया था, फिर हमको धोखा दे जाएगा, भले ये गरीब बने। ऐसे ऐसे जिनको अपना अहंकार रहता था, मनहूस रहते थे, कहेंगे मनहूस की एक पैसे की हमें दरकार नहीं, बाबा के तो हाथ में है ना, लेना वरना लेना, और बाबा पैसे का क्या करेंगे, दरकार ही नहीं है, ये तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, 2-4 वर्ष की तो बात है, परवाह नहीं है, आकर बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है, पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोपे आदि तो चाहिए नहीं, हमारी तो रूहानी युद्ध है, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, सिवाय बाप को याद करने के और कुछ भी तुम नहीं करते हो,
बाप ने फरमान किया हुआ मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। ये तुम्हारा जो धर्म है वो बहुत सुख देने वाला है, और बाप है सर्वशक्तिवान, तुम उनके बच्चे बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है, या तुम सुनते हो फिर उस पर मंथन चलता है, जैसे गाय घास खाती है फिर जुगाली करती है, जुगाली करती है तो उसका मुख चलता ही रहता है। तो तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञात की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें, हम तो कहते हैं मन मना भव, जिससे ही हम सत्व प्रधान बनते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। कौनों की महिमा तो तुम जानते हो, किनों की, जिनका एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, किनका, लक्ष्मी नारायण हमारा एम ऑब्जेक्ट है ना, तो उनों की महिमा तो तुम जानते हो। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये महिमा ऑटोमेटिकली अंदर में आनी चाहिए। कोई की ग्लानी व पाप कर्म कुछ भी याद न रहे, यही याद करो। कोई भी तुमको उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करना है। नंबर वन यह देवी देवताएं हैं, कौन, लक्ष्मी नारायण। पुरुषार्थ से ही ये ऊंच पद पाया है, और इन्हों के लिए ही गाया जाता है हिंसा परमो देवी देवता धर्म। इसको मारना भी हिंसा है ना, बाप समझाते हैं तो फिर बच्चों को अंतर्मुख होकर के अपने को देखना है, हम ऐसे बने हैं, बाबा को याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं, इतनी दिल लग जाए जो बाप को कब भूले ही नहीं। कोई की आपस में मेल फीमेल के साथ दिल लग जाती है, मेल की फीमेल के साथ, फीमेल की मेल के साथ दिल तो लगती है ना, तो फिर बात मत पूछो, भूलते ही नहीं है। मिसाल देते हैं लैला मजनू का, हीर रांझा का, सिर्फ एक दो को देखते रहते हैं और कोई इच्छा नहीं, बैठ उनको याद करते रहें, बस खड़े खड़े सामने आ जाएगा। बाबा तो बहुत अनुभवी है, अब बेहद का बाप कहते हैं तुम सभी आत्मा मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वो आशिक मासूक होते हैं, उनों की होती है जिस्मानी याद, और तुम्हारी तो है रूहानी याद। वो सिर्फ एक दो के शरीर को याद करते हैं और आकर के सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे साक्षात्कार हो जाता है फिर गुम हो जाता है, वैसे वो भी सामने आ जाते हैं, उसी खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। और तुम्हारी याद तो रूहानी याद है, इसमें तो बहुत बल है, एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको अपना भविष्य पद भी याद आता रहेगा, विनाश का साक्षात्कार भी होगा, आगे चल करके जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा, फिर सभी को तुम कह सकेंगे देखो अभी ये विनाश होने वाला है, बाप को याद करो, बाबा ने भी सभी कुछ छोड़ दिया, कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। हम तो अभी अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में तो हमको जरूर जाना है, योग बल से सभी पापों को भस्म करना है, इसी बात में मेहनत है, और मेहनत भी बड़ी भारी है, क्योंकि घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं, मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वो सभी इस समय के। भ्रमरी तो कमाल करती है, उस भ्रमरी से
तुम्हारी कमाल बहुत जास्ती है, क्योंकि वो तो जानवर है, जिस्म को चेंज कर देती है, उनकी भी कमाल दिखाते हैं। विष्टा के कीड़ों को कैसे आप समान बनाती है, तुम भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ही हो, बाकी सभी मनुष्य दुनिया में विष्टा के कीड़े हैं, क्योंकि बाप को भूले हुए हैं। पतित कीड़ों को, मनुष्यों को तुम देवता बनाते हो। बाबा लिखते हैं, ज्ञान की भूमि करते रहो, आखिरी तो जाग ही पड़ेंगे, कहाँ जावेंगे, तुम्हारे ही पास आवेंगे, ऐड होते जावेंगे और तुम्हारा नाम आचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो, आर्य समाजियों का दयानंद भी पहले अकेला था, फिर बाद में वृद्धि हुई, बहुतों को आप समान बनाना पड़ेगा। फिर उनकी बहुतायत निकल पड़ी। ये शास्त्र तो पीछे बनते हैं, ग्रंथ के पहले वाणी हाथ से लिखी हुई थी, फिर बहुत सिख लोग हुए होंगे तो ग्रंथ बैठ बनाया, 1668 की वाणी का चौथा पेज। पढ़ने वाले भी जब इतने हो तो ढेर की ढेर किताबें भी बने। बाबा को तो अनुभव है, ग्रंथ उठाकर रखते थे, पहले हाथ के अक्षर थे, फिर छापे के अक्षर बने, एडिशन होते होते कितना बड़ा ग्रंथ हो गया है। गीता तो उनसे भी छोटी लॉकेट की मिसल बनाई देते हैं। वास्तव में तो है तो वो भी नहीं, वो गले में कोई चीज पहनने की थोड़े ही है, तुमको तो कुछ भी पढ़ने का नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। अजप अजाप उसको याद कहा जाता है, याद की यात्रा, कोई आवाज करने की भी दरकार नहीं है, दिल में याद करते रहो। जैसे मैं बीज रूप हूं, मेरे में सारे झाड़ की नॉलेज है, तुम्हारे में भी सारे झाड़ की नॉलेज होनी चाहिए, सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है, झाड़ भी आ जाता है। सहज बात, बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति, मुक्ति का वर्षा मिलता है और सभी को मिलना है। बाबा कहते हैं अखबारों द्वारा ये सारी नॉलेज चारों ओर फैल जाएगी, सभी जागेंगे। उन्हों का ऐसा प्रबंध है, अखबार तो सभी जगह जाते हैं, तो तुम्हारा आवास सारे भारत में हो जाएगा। अभी तो तुम सन्यासियों को भी नहीं जीत सकते हो, अगर जीत लो तो अभी भी रिवॉल्यूशन हो जाए, सभी मनुष्य तुम्हारे पास आकर के गिरे। बाप में कशिश तो बहुत होती है, सतो प्रधान प्योर बन जाते हैं तो पावनता खींचती है, चकमक के सामने जैसे सुई रखी जाती है तो चकमक सुई को खींच लेती है। अभी देखो तुमको कितनी शक्ति मिलती है, तुम जानते हो बाप को याद करते करते हम जाकर के विश्व के मालिक बनेंगे, जो भी ब्राह्मण हैं वो सब वृद्धि को पाते रहेंगे। जब बहुत हो जाएंगे फिर तुम्हारा बहुत आवाज होगा। मुख्य तो एक बात ही पक्की रखनी है, बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, ये देह भी याद ना आए। अपन को आत्मा समझो तो तुम पावन बनकर अपने घर शांति धाम चले जाएंगे। इस याद का नाम यात्रा ठीक रखा हुआ है। दो प्रकार का योग होता है वो तुम जानते हो। भारत का प्राचीन राजयोग कौन सा था ये कोई भी नहीं जानते, वो सन्यासी तो हठी होगी है, निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो तो राजयोग सिखलाई कैसे सकते हैं, प्रवृत्ति मार्ग कैसे स्थापन कर सकते हैं। कौन से सन्यासी? हाँ, वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं कि निवृत्ति मार्ग के?
है, निवृत्ति मार्ग के हैं, वो धर्म ही अलग है। वास्तव में वो तो बाद में आते हैं, तुम तो पहले आए थे। वो प्रवृत्ति मार्ग का राज्य सिखला ही नहीं सकते, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का भी उनको पता नहीं है कि निवृत्ति मार्ग किसे कहा जाता है और प्रवृत्ति मार्ग किसे कहा जाता है। कितने अष्ट योग आदि सिखलाते रहते हैं, ये सभी हैं शरीर की संतुष्टि के लिए। हठ योग ऐसे करते हैं जैसे कि पहलवान बन जाते हैं, तुमको तो वो नहीं करना है। हठ योग में अनेक प्रकार की ढील आदि सीखते रहते हैं, ये तो तुमको उठते बैठते चलते बाप को याद करना है, बहुतों को साक्षात्कार भी होता रहेगा, कहाँ कहाँ के राजाएं होंगे वो भी साक्षात्कार होगा, तुम कहाँ के कौन से देश के राजा बनेंगे वो भी तुमको साक्षात्कार होगा। कैसे साक्षात्कार? बंदा होगा, बुद्धि योग का साक्षात्कार होगा। वहां भी राजाओं की ड्रेस भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं रूहानी बच्चों मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जावे, खाद निकल जावे, योग बल से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। वो दोनों अगर मिल जावे तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं। कौन दोनों? रूस और अमेरिका। परंतु ये ला नहीं कहता, वो लोग भी कहते हैं वो दोनों चाहें तो शांति करें और चाहे तो विनाश कर दें। हैं तो दोनों आपस में भाई भाई। कैसे? अरे रशियंस और अमेरिकन्स दोनों क्रिश्चियंस ही तो हैं, तो भाई भाई हुए ना। हैं तो दोनों आपस में भाई भाई, परंतु दोनों की आपस में मिलने की बात नहीं हो सकती। अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो दोनों कहें हम विश्व पर राजा ही करते हैं, बॉम्ब्स लेकर के रेडियो व टेलीविजन पर खबर दें हम विजय पाते हैं, सफ़ेद झंडा उठाओ नहीं तो मारे जाएंगे। ये खुदा दोस्त की भी कहानी है, भी अभी की बात। तुमको एक सेकंड में राजा ही मिल जाती है, 21 जन्मों का सुख मिल जाता है। तुम बच्चे कितनी मीठी मीठी बातें सुनते हो, फिर ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ भी करना है। एक तो याद करो, दूसरा फिर आप समान बनाकर औरों को रास्ता बताओ। अंधों की लाठी बनना है, बोलो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग में पहुंच जावे। अंधा अर्थात ज्ञान है ही नहीं, तुम फील करते हो हम भी अंधे थे क्योंकि बाप को जानते ही नहीं थे, तो देखने की भी बात दूर हो जाती है। तो अभी बच्चों को अंतर्मुख होना है, बाप को याद करना है, पाप कट जाए, माया बड़ी कड़ी है। एक शरण होता है और एक बाज होता है, बाज तो बहुत ताकत वाला होता है, बहुत तीखा होता है, ऐसे तीखे जानवर को भी हाथ कर लेते हैं, शेरों को भी हाथ करके आजकल जीप में घुमाते हैं। हमारा इन सभी बातों से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम बच्चे से रूहानी बातों को जानते हो, तुम्हारा रूहानी ज्ञान है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों, रूहानी बाप का नमस्ते।